आ गए उत्तर की तरफ उज्जैन। अब बता अमृत कलश कहाँ है? बता दियो। तारा! बचाओ! चलो चल। हेलो, तुम अमृत कलश तक पहुंचे या नहीं? ए, किससे बात कर रही है तू? तू किससे बात कर रहा है? बेवकूफ कहीं का। बार बार मैं तुमसे एक ही सवाल पूछ रही हूँ, अमृत कलश तक तुम पहुंचे या नहीं, उसका जवाब दो मुझे। पहुंच गए। और तुझे क्या लगता है, अगर मुझे अमृत कलश मिल गया तो मैं तुझे इतनी आसानी से दे दूंगा? इतना पसीना, आप पानी पी लो। वो मुझे वो अमृत कलश क्यों नहीं दे रहा है? आउच! नेवला है वो, तेरी बात कभी नहीं मानेगा। सासू माँ, आई मीन जब आप बुरी सास होने का नाटक कर रही थी ना, तब ऑनेस्टली मुझे ज्यादा पसंद आ रही थी। अब क्या हो गया ना, अब एक प्रॉपर विलन हो गई हो आप, तो मेरे लिए ना बहुत बोरिंग सा हो गया है। वो तड़का चला गया, यू नो। आई मीन सीरियसली, क्या प्लानिंग कर रही थी आपकी? मतलब किसी को जाके बता देंगे कि कलश है कहाँ, वो कलश आपके लिए ढूंढेगा और आपके हाथ में लाकर दे देगा। आई मीन सीरियसली, आप जैसा इंसान जो अपने पति से भी ढंग से बात नहीं कर सकता, वो किसी और से क्या अच्छे से बात करेगा? नीला है, वो तेरी बात कैसे मानेगा? आप थोड़ा ठंडा हो जाइए। आप, मैं उसे फोन करती, बस एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्या पता बात बन जाए। हेलो। हेलो रेनाक्ष, हाय। कलश कहाँ है? हाँ, मैं पहुंच गया कलश तक। ए, बता कलश कहाँ है? वाह, उसने ओम बनाया था, ठीक से याद नहीं, पर वहीं पे बनाया था। रेनाक्ष, वो अमृत कलश है। उस कलश का अमृत जब सागर मंथन हुआ था तो उस सागर से निकला था। ये वो अमृत है जो हमारे देश को बचा सकता है, हर बड़ी से बड़ी महामारी को मार सकता है। इसलिए ध्यान रहे, ये अमृत कलश किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। तो ये अमृत अपने पास संभाल के रखो, ठीक है? ये महासंगम जो वहां मंदिर में शुरू हुआ था, वो यहाँ आके खत्म होगा। मैं समझ गया। एक नेवला, एक निवृत्त तेरी बात कैसे मान गया? क्या जादू किया तूने उस पे? कभी कभी ना नंबर बदल जाते हैं सासू माँ, जैसे नागिन अपना रूप बदलती है। वो अब मैं उसका नंबर लगाती हूँ जिससे आपको असली में बात करनी है। सासुमा, ओहो, आई हेट डियर सासुमा, आई हेट डियर। आप यही सोच रही होंगी ना कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो ये सब ऐसे हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये लोहा है, प्लीज इसको हटा दो। हाँ प्लीज, अरे हटाओ ना इसको।
तो नेवला छोटे लोहे से डर गया। इस नेवले को कैद में रखने की मेरी जिम्मेदारी है। अभी आपका काम हो गया, अब मेरी बारी है। वे अब जाइए अपना काम कीजिए, अब मैं अपना काम करती हूं। Honestly speaking, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये नागिनों की नेवलों से दुश्मनी शुरू कैसे हुई। I mean, come on, you know, शेर, चील, फिर भी समझ आता है, पर नेवला, seriously? मैं तो अपने नागिनों की आने वाली जनरेशन को बहुत क्लियरली समझाने वाली हूँ कि हमें अपने दुश्मनों को अपडेटेड रखना चाहिए। आई मीन बराबरी की दुश्मनी करनी चाहिए। मतलब आपको ही देख लो, क्या टक्कर की दुश्मनी देते हो आप। चंद्रमा, आपको बताएं, बहुत बड़ी रात आ रही है, चंद्र ग्रहण की रात, आज से ठीक 4 दिन के बाद। तो अमृत कलश मेरे पास है और उसका अमृत बहुत जल्द गंगा में घोल दिया जाएगा, ठीक 8 से 4 दिनों में। हर हर गंगे। सासू मां, अब आप और ये आपका नेवला मेरे पास है, मेरी कैद में, याद रखना। प्रथा ने मेरे साथ ये खेल खत्म कर दिया है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगी। कुछ ना कुछ तो मैं भी करूंगी। सीमा गुजराल हूं मैं, सीमा गुजराल करूंगी तो सही, बस अब तुम देखती रहना नागिनों की नागिन शेष नागिन। जरूरत है बन्नू, कहाँ है तू बन्नू? बन्नू, बन्नू, चंदामा, 4 दिन तक आपको इसी मंदिर में रहना है और 4 दिन के बाद जब अमृत कलश का अमृत गंगा में घुल जाएगा तो हमारा देश बच जाएगा। तब तक मेरे बेटे की जान सलामत रहेगी ना। चंदामा, आपकी बेटी को कोई ऐसी मिले जो उसे बहुत प्यार करती है, जो उसकी ढाल है, आप अपनी बेटी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कौन है वो? माँ, मेरा बेटा कैसा है? आपका बेटा बिल्कुल सही सलामत है और हमेशा अच्छा ही रहेगा। मैं आपके बेटे पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। याददाश्त चली गई थी और पैदा होते मेरा बेटा भी मेरे हाथ से चला गया। सीमा ने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। पर माँ, आपका बेटा बहुत जल्द आपके पास होगा और आपका बेटा आपको गले से लगा लेगा
ये आपकी बहू का आपसे वादा है। सच्ची? हाँ माँ। शिव जी ने तुझे से बहू देके मुझे वरदान दिया है। दीदी, इससे पहले कि सब मुझे ढूंढ ले, मुझे घर जाना होगा। हमें चंदमा की हिफाजत भी तो करनी है। अगर नीवलिन ने या किसी और ने उन पे हमला कर दिया तो? नहीं कर सकेगा। चलती हूँ। ये शेष नागिन ने बनाई नाग रेखा है, इसे कोई बुरी शक्ति पार नहीं कर सकती। इसमें शक्ति है ओमकार की, अब वही हमें बचाएगी हर वार से, हर प्रहार से। पर हाँ, अगर चंदा माँ इस नाग रेखा को पार करके बाहर जाए तो खतरा हो सकता है। चंदा माँ को मैं बाहर नहीं जाने दूंगी, मैं उनका ध्यान रखूंगी। रैनक्ष तो वैसे भी यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि वो तो बाबा की कैद में है। कहाँ है रैनक्ष?
बन्नो, तो तूने मुझे ही बचा लिया। नहीं नहीं नहीं, बैठो, बैठ जाओ। तुम सब इस घर के बच्चे हो ना, बट आई एम सॉरी टू से, सबके सब निठल्ले हो। बड़ी मामा, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्यों रे, क्यों? मुझे दिखाई नहीं देता तेरी ये जो भाभी है ना प्रथा, वो इस घर में क्या क्या खेल खेल रही है। और तू रितेश, तू तो मेरा अपना बेटा है, जब देखो रोमांस करता रहता है रीम के साथ। अब ये बंद कर, कुछ दिखाई नहीं देता ना तुम लोगों को, क्योंकि तुम सब यूजलेस हो, इडियट्स हो। दिखाई नहीं देता या देखना नहीं चाहते कि तुम्हारी भाभी प्रथा धीरे धीरे करके तुम्हारे भाई ऋषभ पर अपना हक जता रही है, अपने इशारों पर उसे नचा रही है। और तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ बैठकर ड्रिंक्स, सेलिब्रेशन, पार्टी, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को, लेकिन मुझे पड़ता है, क्योंकि मैं एक माँ हूं, नहीं देख सकती ये सब कुछ। तुम लोगों को पता है ना कि ऋषभ इस घर का, इस बिजनेस का इकलौता वारिस है। कुछ नहीं देगा वो तुम लोगों को, कुछ भी नहीं, क्योंकि हर वक्त वो प्रथा के साथ लगा रहता है। इनकी पत्नी हूं, ये पति है मेरे, हमारी शादी हुई थी। ऋषभ जी, आप ठीक तो है? नहीं प्रथा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं। I'm just fed up. ये डैड, पहले पता चलता है कि एक देशद्रोही है, उसके बाद उनका एक्सीडेंट होता है, ऊपर से ये चंदा आंटी। तुमने नीचे देखा ना सब क्या हुआ, क्या कह रही थी वो डैड के बारे में? समझ नहीं आ रहा है क्या सच है क्या झूठ है। I believe के डैड का कोई तो पास्ट है, कोई तो मिस्ट्री है जो वो हमसे छुपा रहे हैं या तो हमें दिखाई नहीं दे रही। इन सब चीजों के बीच में मॉम फंस गई, कितना बुरा लगा होगा उन्हें। ऋषभ कितना प्यार करता है अपनी माँ से, और सीमा ने इस प्यार को ही अपना हथियार बना रखा है। कितनी फिक्र करता हूं मैं अपनी माँ की, कितना विश्वास करती है वो डैड पे, और डैड है क्या, हर बात पे उन्हें बस धोखा देते, विश्वासघात करते हैं। और नीचे नीचे तुमने देखा ना चंदा आंटी, वो क्या कह रही थी कि मेरे डैड उनके हस्बैंड। मेरा खून खोल रहा था। मेरी माँ को कोई इतनी सी भी चोट पहुंचाता है ना, तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता प्रथा। मैं आपकी माँ के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। आपकी माँ मेरी माँ जैसी है, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। प्रथा, क्यों तुम ऐसी? हाँ, बहुएं होती हैं कि अपनी सास से कितनी नफरत करती, तुम अपनी सास से इतना प्यार कैसे करती हो? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपकी माँ को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। सारे वादे वो उसी के साथ कर रहा है, हर वक्त उसी के साथ। अब देखो ना, वो तुम लोगों के साथ बैठता नहीं है, तुम लोगों के साथ ड्रिंक नहीं करता, क्योंकि अब उसे सिर्फ और सिर्फ प्रथा ही दिखाई दे रही है और कुछ नहीं। रैनक्ष नाराज होकर इस घर से बाहर चला गया। क्या वो गया उसके पीछे उसे मनाने? नहीं गया ना। अब तो उसे उसकी बहन हानिया की भी फिक्र नहीं है कि उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, फैमिली अटैचमेंट्स क्या है, सब कुछ भूल गया है वो।
क्योंकि 24/7 उसे सिर्फ और सिर्फ प्रथा ही दिखाई देती। सही कह रही बड़ी मॉम, क्या मिला हमें, वो जब भी देखो मेरी इमेज खराब करने पे लगी रहती है, मेरी शादी तोड़वाने पे भी लगी है। एब्सोल्युटली, प्रथा ने ऋषभ को अपने चंगुल में इस हद तक फंसा लिया है कि अब ऋषभ मेरी तरफ देखता भी नहीं है। ये प्रथा ना सबके रास्ते का कांटा बन गई है, इस कांटे को काटना ही पड़ेगा। लेकिन इस कांटे को कांटे कैसे? अब मेरी तरफ देखोगी भी नहीं क्या? तुम्हें ऐसे ही अपने अफेयर्स कंटिन्यू रखने हैं तो नहीं, नहीं देखना। मेरे अफेयर्स थे, हैं और आगे भी रहेंगे, और वो भी होगा जो आज तक होता आया है। रियान, नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? रियान नहीं, रियान प्लीज, रियान, रियान नहीं, रियान! इंस्पेक्टर, ये अपनी बीवी को मारता पीटता है, अब्यूज करता है। क्या हुआ विजय, क्या हुआ? ये मेरे पे फालतू के इल्जाम लगा रही है कि मैं अपनी बीवी को मारवा रहा था। क्या हुआ प्रथा, तुम ये सारे इल्जाम क्यों लगा रही हो मेरे बेटे पे? क्योंकि ये सब मैंने देखा। एक मिनट, हमें सबसे पहले इनके पत्नी से बात करनी है। समायरा, बताओ पुलिस को कि हम क्या कर रहे थे, क्योंकि भाभी जी को लग रहा है कि हम तुम्हें मार रहे थे। भाभी, आप क्यों बार बार मेरे हस्बैंड पर ये सब इल्जाम लगाती रहती हैं? मैंने आपको पहले भी कितनी बार कहा है ऐसा कुछ नहीं है, और ये पुलिस क्यों बुलाई है आपने? समायरा, जो भी सच है वो बता सकती हो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। भाभी, कोई सच होगा तो बताऊंगी ना। समायरा, तुम प्लीज डर। बस प्रथा, बहुत हो गया तुम्हारा ये बवाल। मैं कब से देख रही हूँ तुम हाथ धो के मेरे बेटे के पीछे पड़ गई हो, इतना बड़ा गंदा इल्जाम लगा रही हो तुम मेरे बेटे पे। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, मेरे बेटे की लाइफ में टांग छाप बंद करो, समझी? चलिए। सॉरी विजय, आपको तकलीफ हुई। कोई बात नहीं, वी आर फैमिली। प्रथा, व्हाट्स ऑल दिस? बिना सच जाने तुमने पुलिस को बुला लिया। ऋषभ जी, समारा सच छिपा रही है। प्रथा, आई अंडरस्टैंड तुम इस फैमिली को लेके बहुत कंसर्न्ड हो, बट इवन रेहान इज अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, सो प्लीज प्रथा। कोई माने ना माने, मुझे समारा को रेहान के इस अत्याचार से बचाना है। बचाता रहूंगा, तूने बुलाया अपनी सुरक्षा करना खुद से। उसी बस पे था, इसीलिए बुलाया। तो मैं आया ना, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। एहसान मत जता, तू काम बता। उस चंदा बुढ़िया को ढूंढना है। चंदा? तू जानता है चंदा को?
उस चंदा बुढ़िया को? उस चंदा को तो मैं कई सालों से जानता हूँ। खैर, वो कहानी मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पहले तू ये बता कि तू चंदा तक कैसे पहुंचेगा, फिर मदद के लिए मेरे सामने हाथ फैलाएगा। लेकिन दोबारा मदद नहीं मिलेगी तुझे। बन्नू बन्नू बन्नू, अगर तू नहले पे दहला है ना, तो मैं भी नेवला हूं, सात समंदर पार से सूंघ लेता हूं लोगों को। ये देख, उस चंदा बुढ़िया की साड़ी का टुकड़ा। नेवले की यही तो ताकत है, सूंघ के अपना शिकार ढूंढ लेते हैं। मिल गई वो चंदा बुढ़िया। सुन, वो जहां है तो उसे छोड़। गनीमत है कि तेरी जान बच गई। ये सब भूल जाओ और मेरे साथ चल। नहीं, सीमा के लिए मुझे वो अमृत कलश ढूंढना है। अगर तू उसके लिए कलश ढूंढेगा तो अपने आप को कभी नहीं ढूंढ पाएगा, पता नहीं कहां जाएगा। इसलिए मेरी बात मान, मेरे साथ चल। नहीं, मैं सीमा को धोखा नहीं दे सकता। मुझे उसके लिए वो अमृत कलश ढूंढना ही है। रेनॉक्स, आने वाले 3 दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। अमृत कलश और चंदा माँ को मैंने ग्रहण तक सुरक्षित तो कर ही दिया है, अब मुझे समायरा को भी संभालना है। ऋषभ जी, कलराज जो भी है उसके लिए आई एम सॉरी। दोनों आपके लिए। थैंक यू। वैसे मैं किसी काम से सूरत जा रहा हूं, माँ का ध्यान रखना है और अपना भी। ओ भाई, आपका है? तेरी भाभी ने दिए। ओ नाइस। चले, लेट्स गो। रेखा है, इसे पार कर तो मैं अंदर जा ही नहीं पाऊंगा। चंदा बुढ़िया और अमृत कलश दोनों मंदिर के अंदर ही है। उन्हें पाने के लिए तो मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में। बन्नू 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 से दूर रहना चाहिए। बन्नू अच्छा नहीं है, बन्नू से दूर रहना चाहिए। बन्नू से दूर रहना चाहिए। ये बन्नू कौन है? अच्छा नहीं है। सुना माँ, अब ठीक तो हो? ये बन्नू कौन है? वो जिसने सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। ये बात मुझे प्रथा को भी बतानी होगी। चंदा माँ, आप आराम कीजिए, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आप बाहर मत जाना। मैं अंदर नहीं जा सकता तो क्या हुआ? वो बुढ़िया तो बाहर आ सकती है ना। भाई जूस? नो थैंक्स,
लो ना यार। Cheers. भाई हम फ्लाइट से भी तो जा सकते थे ना यार, क्या बस में जा रहे हैं? बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन मुझे अपने छोटे भाई को थोड़ा ज्ञान भी तो बांटना है ना। और वैसे भी देखना, सीधा साधा रास्ता है, सुंदर सुंदर वादियां हैं, वो देखो और एंजॉय करना, यही तो लाइफ है। परजाई जी, मैं भी तैयार हूँ, मेरी थाल भी तैयार है, आप तैयार हैं? राधा मैं आ गई हूँ, चलो चलते। प्रथा एक मिनट। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं और तुम्हारी चाची मंदिर जा रहे, तुम भी चलो हमारे साथ। अब इस बवाल को भी साथ लेकर जाएंगे मंदिर में? बवाल नहीं राधा, बहू है ये इस घर की। कल रात इसने बहुत बड़ी गलती की, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम चलो हमारे साथ मंदिर, भगवान के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लेना। मुझे समायरा को देखने जाना था। क्या सोच रही हो तुम? अगर अपनी गलती का एहसास है तुम्हें तो चलो हमारे साथ मंदिर, चलो। सीमा मुझे मंदिर क्यों ले जा रही है, अब इसका क्या मकसद है? नहीं सीमा, नहीं, मेरे बेटे के साथ कुछ मत करना। ऋषभ, 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 माँ मुझे बचा लो, माँ। ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ बेटा, बेटा कहाँ हो तुम? माँ मुझे बचा लो, माँ, मैं यहाँ, माँ यहाँ, प्लीज मुझे बचाओ माँ। ऋषभ, कहाँ है तू? माँ मेरी जान खतरे में, प्लीज मुझे बचा लो माँ। ऋषभ, चंदम्मा, चंदम्मा कहाँ गई? मॉम, डैड, मैं यहां से निकल रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। रेहान नहीं है घर पे, मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ, मुझे अब इस घर में नहीं रहना, मुझे जाना है। अब तू आ गया? आना पड़ा यार, अपनी बीवी को ठिकाने लगाने आया हूँ, जब देखो मेरी कंप्लेंट करती रहती है। मैं जस्ट वेट एंड वॉच में क्या करता हूं? ये क्या बैकपैक? घर से भाग रही है, भाग के दिखा। पुलिस बुलाएगी, मेरी कंप्लेंट करेगी, अब देख मैं क्या करता हूं। ऋषभ, माँ, माँ मुझे बचा लो माँ। ऋषभ मैं आ रही हूँ। बेटा, ऋषभ, ऋषभ। हेलो। तुम माँ मुझे बचा लो माँ।
फिर धोखा खा गई ना बुढ़िया। रेहा ने तुझे मारा? एक मिनट, ये क्या बवाल है परजाई जी? हाँ, रेहान तो ऋषभ के साथ सूरत गया, तो वो यहाँ के इसे कैसे मारेगा? ये जो आपकी बहू है ना, ये नागिन है नागिन। इसे भड़का भड़का के इसके दिमाग में ना जहर भर दिया इसने। वो मुझे रोज मारता है। ये क्या बोल रही हो तुम समायरा? बस अब बहुत हुआ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। समायरा के साथ बहुत गलत हुआ है, कितना मारा गया उसे। प्रथा, रेहान तो घर पे नहीं था, वो तो तुम्हारे सामने ऋषभ के साथ सूरत के लिए निकल गया था। समायरा घर पे अकेली थी। और एक मिनट, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए तो तुम हमारे साथ मंदिर नहीं आई। कहीं वो दवाई का ये असर तो नहीं है जो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या बोले जा रही हो, तुम होश में ही नहीं हो। हाँ, मैंने दवाई खाई थी, लेकिन मैं रेहान की मार खा के थक चुकी। वो मुझे रोज मारता है। मैं घर छोड़ के जा रही थी, लेकिन अचानक से रेहान आ गया और उसने मेरे साथ ये सब किया। रेहान है ही नहीं घर में, ऋषभ के साथ वो बस में है, सूरत पहुंचेगा सुबह तक, तो तुम्हें यहाँ पर आके मार कैसे सकता है? क्या बोल रही है परसाई जी? एक सेकंड, मैं ऋषभ जी को फोन लगाती हूँ, उनसे ही पूछती हूँ। आई बड़ी। ऋषभ जी, आप रेहान को लेके घर आ जाइए अभी इसी वक्त। इसने मुझे जानवरों की तरह मारा है। मैंने मारा? मैंने? पर ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरे साथ था ना, हम सूरत गए थे। Exactly. ये तो ऋषभ के साथ था, वो तुम्हें कैसे मार सकता है? कोई बात नहीं, मैंने पुलिस को बुला लिया है। अब पुलिस ही तय करेगी, जिसकी गलती होगी उसे उसकी गलती की सजा मिली जाएगी। ओहो, क्या बात है, आज इस घर में केस कुछ अलग ही लग रहा है। नहीं, वरना मुझे तो लगा था कि इस घर में फिर से कोई गायब हो गया है, भाग गया। क्यों मिस्टर ऋषभ? मिसेस समायरा, क्या मैं जान सकता हूं ये आपको चोट कैसे लगी? इंस्पेक्टर, इसने मुझे बहुत मारा, बहुत अब्यूज किया। ये पति के रूप में एक जानवर है। मेरे ख्याल से जानवरों को कैद में रखना चाहिए। चलो इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कहा ना ही मेरे साथ था, हम दोनों सूरत गए थे। पर इंस्पेक्टर, अगर एक पत्नी आपको कह रही है कि उसके पति ने उसे मारा है, पीटा है, तो आप एक पत्नी की गवाही लेंगे? एक पत्नी झूठ क्यों बोलेगी? इसलिए आप उसे गिरफ्तार कीजिए और छानबीन होने तक उसे छोड़ना मत।
मिस्टर जानवर चलो। अरे इंस्पेक्टर, अरे अरे आप सुनिए तो सही, अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? राधा क्या हो रहा है? प्रथा ये सब क्या है? देखो समायरा की ऐसी कंडीशन देख के मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन रेहान जब था ही मेरे साथ तो फिर घर पे रह के इसको कैसे मार सकता है? पर समायरा झूठ क्यों बोलेगी? ये अच्छा बवाल है परजाई जी, बहुत अच्छा बवाल है। मैं ऐसे घर में नहीं जीना चाहती हूँ जहाँ लोग झूठ बोल के मरने माने की बातें कर रहे हो। मैं सच में जहर पी के मर रही हूँ। चाची राधा, चाची राधा, राधा तुम्हें मेरी कसम है पीना नहीं। दादा ये भगवान, रितेश डॉक्टर को फोन लगा। प्रथा ये सब क्या है? मैं कहता हूँ कंप्लेंट वापस लो। मैंने तुमसे हजार बार बोला है कि रेहान मेरे साथ था, तो तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? मुझे आप पे विश्वास है, पर आप भी मुझ पे विश्वास कीजिए। रेहान ने समायरा को मारा है। तुम इतना शो कैसे हो? क्योंकि समायरा के कपड़ों से उसी परफ्यूम की खुशबू आ रही है जो परफ्यूम मैंने आपको दिया था, और मैंने अपनी नजरों से देखा रेहान को वही परफ्यूम यूज करते हुए, और अभी मैंने दरवाजे से किसी को भागते हुए भी देखा था। और तुम शोरों की वो लड़का रेहान ही था जो घर के बाहर भाग रहा था? तुमने उसका चेहरा देखा क्या? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, पर आई एम श्योर वो रेहान ही था। प्रथा ट्रस्ट मी, रेहान मेरे साथ था, हम दोनों सूरत के लिए गए थे, भूल गई क्या तुम? ये जो तुम एक्यूजेशन लगा रहे हो ना मेरी फैमिली पे, ये मेरी फैमिली का नाम बदनाम कर रही है। अगर तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली पर कोई भी मुसीबत आई ना, आई डोंट बियर इट। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ प्रथा, अगर ये बात साबित हो जाती है कि वो जो लड़का घर के बाहर भाग रहा था वो रेहान नहीं है, और उसकी वजह से अगर चाची को कुछ भी हुआ ना प्रथा, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।